रसूल अल्लाह तेरे दर की फजाओं को सलाम। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर मुल्क भर में जश्न, हर जानिब सब झंडों की बहार, फजा में दुरूद व सलाम की गूंज। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों की सलामी से हुआ। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। नमाज फजर के बाद खुसूसी दुआएं मांगी गईं। जमीनों जमान तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे लिए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहर शहर गांव गांव रैलियां, मिलाद के जलूस, बड़ों के साथ बच्चे भी शरीक। दूध शरबत और पानी की सबीलों का अहतमाम, महाफिल मिलाद सेमिनार्स का इनेकाद। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कराची में मलीर बोल्टन मार्केट, खोखरा पार, मोहम्मदी मार्केट में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस। खारा दर से 3 रैलियां बरामद। मेमन गोट से एयरपोर्ट तक आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली, शहर कायद की फजाएं सरकार की आमद मरहबा के नारों से गूंज उठी। जुलूसों में न्यास की भी तकसीम। लाहौर में आशिकान रसूल की रैली, सिंहपुरा से दाता दरबार तक रैली निकाली गई। मरकजी मिलाद कमेटी के दरहतमाम रेलवे स्टेशन से भी रैली निकाली गई। शुरका का दुरूद पाक का वर्द, दाता दरबार पर शुरका के लिए लंगर का अहतमाम। ऐ काश जिंदगी को वो लम्हा भी हो नसीब, रोजे पर जाकर मैं पढ़ूं नाते मुस्तफा। इस्लामाबाद में सेक्टर G7, कराची कंपनी, बारा कहू, तरनोल, गोल्डा शरीफ और दीगर इलाकों में मिलाद शरीफ के जलूस, नाखवा हदिया तबारुक पेश कर रहे हैं। सिनेट में नबी पाक की विलादत का अलग रंग, 63 मन वजनी केक काटा गया। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 120 मन दूध भी तकसीम किया गया। मंडी बाउदीन में मकामी ताजर ने 125 मन आमों का मिल्कशेक तैयार कर लिया। अब के साहरी इलाके जाम बंदर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कश्ती रैली, हर जबान पर मरहबा या मुस्तफा की सदाएं। सखर की रैली में ट्रक, मजदा, वैन और मोटरसाइकिल भी शामिल। नन्हे आशिकान रसूल का जोश भी दीदनी। दानाए सुबुल खत्मुल रुसुल, मौलाए कुल जिसने गुबार राह को बख्शा, फरोगे वादिये सीना। जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 24 न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज, मिलाद शरीफ के जलूसों, रैलियों की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग, लाइव नशरियात। मुझे कहते हैं लोग, इमरान साहब आप में रहम नहीं है। मैं ये बड़ी जगह सुनता हूँ, क्या रहम नहीं है जी, कि जिन लोगों ने इस मुल्क को कंगाल करके मकरूज कर दिया उनको माफ कर दें। मेरा काम उनको माफ करना नहीं है, मेरे पैसे नहीं उन्होंने चोरी किए, कौम के पैसे चोरी किए हैं। बड़े बड़े डाकुओं को कौन रहम करता है, बात तो माशरा अपना तबाह कर देंगे। रहम कर करके तो एनआरओ दे के तो माशरे का बेड़ा गर्क किया हमने। एनआरओ देकर माशरे का बेड़ा गर्क कर दिया क्या? मुल्क को कंगाल करने वालों को माफ करना मेरा काम नहीं, पैसा बनाना बुत परस्ती है। रियासत मदीना एक दिन में नहीं बनी, मेरा ईमान है पाकिस्तान ऊपर उठेगा। वजीर आजम का इंटरनेशनल सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। खान साहब, रियासत मदीना के नाम पर सियासत करना बंद कर दें, जो खुद एनआरओ से आया हो वो कभी रियासत मदीना नहीं बना सकता। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। गुजर गए मियां नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाला ना जा सका। 3 बार के वजीर आजम की जिंदगी के लिए एक एक मिनट कीमती। हुकूमत की तरफ से नवाज शरीफ के इलाज में गैर मामूली ताखीर, शरीफ फैमिली की जानिब से बैरून मुल्क इलाज के लिए तैयारियां मुकम्मल। नवाज शरीफ के चाहने वालों में तशवीश की लहर। सीनियर एंकर पर्सन नसीम ज़हरा की शरीफ खानदान के अहम फर्द से गुफ्तगु। शरीफ खानदान के मुताबिक हुकूमत की वजह से इलाज में ताखीर हो रही है। ECL से नाम निकालने पर नैब और वजारत दाखिला शटल कॉक खेल रही है।
मेडिकल बोर्ड ने कहा कि बेहतर इलाज अमेरिका में मुमकिन है। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन आज 98वें रोज में दाखिल, मोदी को शर्म ना आई, आलमी बिरादरी का जमीर भी ना जागा। अमरीकी खातून बगैर सफरी दस्तावेजात पाकिस्तान पहुंच गई। अमरीकी खातून को अमरीका डिपोर्ट किया जा रहा है, अमरीकी खातून का वापस अमरीका जाने से इनकार। कराची में टिड्डी दल का हमला, टिड्डी दल ने मलीर गड़ाप टाउन बनकासे में खड़ी फसलों पर हमला कर दिया, मलीर और मुल्हिका इलाकों के काश्तकार परेशान। रायविंड तबलीगी इज्तमा का दूसरा मरहला खत्म, इज्तमाई दुआ में रिकत आमेज मनासे, मुल्की सलामती कश्मीर की आजादी के लिए खसूसी दुआएं की गई, शुरका अपने अपने घरों को रवाना। ए काश जिंदगी को वो लम्हा भी हो नसीब, रोजे पर जाकर मैं पढ़ू नाते मुस्तफा। इस्लामाबाद में सेक्टर G7, कराची कंपनी, बाराकहू, तरनोल, गोल्डा शरीफ और दीगर इलाकों में मिलाद शरीफ के जलूस, नाख्वां हदिया तबारुक पेश कर रहे हैं। सिनेट में नबी पाक की विलादत का अलग रंग, 63 मन वजनी केक काटा गया, आशिका ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 120 मन दूध भी तकसीम किया गया। मंडी बाउदीन में मकामी ताजर ने 125 मन आमों का मिल्कशेक तैयार कर लिया। अब के साहरी इलाके जाम बंदर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कश्ती रैली, हर जबान पर मरहबा या मुस्तफा की सदाएं। सखर की रैली में ट्रक, मजदा, वैन और मोटरसाइकिल भी शामिल, नन्हे आशिकान रसूल का जोश भी दीद। वो दानाए सुबुल खत्मुल रुसुल, मौलाए कुल जिसने गुबार राह को बख्शा, फरोगे वादिये सीना। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 24 न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज, मिलाद शरीफ के जलूसों, रैलियों की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग, लाइव नशरियात। मुझे कहते हैं लोग, इमरान साहब आप में रहम नहीं है। मैं ये बड़ी जगह सुनता हूँ, क्या रहम नहीं है जी, कि जिन लोगों ने इस मुल्क को कंगाल करके मकरूज कर दिया उनको माफ कर दें। मेरा काम उनको माफ करना नहीं है, मेरे पैसे नहीं उन्होंने चोरी किए, कौम के पैसे चोरी किए हैं। बड़े बड़े डाकुओं को कौन रहम करता है, बहुत तो माशरा अपना तबाह कर देंगे। रहम कर करके तो NRO दे के तो माशरे का बेड़ा गर्क किया हमने। NRO देकर माशरे का बेड़ा गर्क कर दिया क्या, मुल्क को कंगाल करने वालों को माफ करना मेरा काम नहीं, पैसा बनाना बुत परस्ती है। रियासत मदीना एक दिन में नहीं बनी, मेरा ईमान है पाकिस्तान ऊपर उठेगा, वजीर आजम का इंटरनेशनल सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। खान साहब, रियासत मदीना के नाम पर सियासत करना बंद कर दें, जो खुद NRO से आया हो वो कभी रियासत मदीना नहीं बना सकता। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। गुजर गए, मियां नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाला ना जा सका, तीन बार के वजीर आजम की जिंदगी के लिए एक एक मिनट कीमती। हुकूमत की तरफ से नवाज शरीफ के इलाज में गैर मामूली ताखीर, शरीफ फैमिली की जानिब से बैरून मुल्क इलाज के लिए तैयारियां मुकम्मल, नवाज शरीफ के चाहने वालों में तशवीश की लहर। सीनियर एंकर पर्सन नसीम ज़हरा की शरीफ खानदान के अहम फर्द से गुफ्तगू, शरीफ खानदान के मुताबिक हुकूमत की वजह से इलाज में ताखीर हो रही है, ECL से नाम निकालने पर नैब और वजारत दाखिला शटल कॉक खेल रही है, मेडिकल बोर्ड ने कहा कि बेहतर इलाज अमरीका में मुमकिन है। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन आज 98वें रोज में दाखिल, मोदी को शर्म ना आई, आलमी बिरादरी का जमीर भी ना जागा। अमरीकी खातून बगैर सफरी दस्तावेजात पाकिस्तान पहुंच गई। अमरीकी खातून को अमरीका डिपोर्ट किया जा रहा है, अमरीकी खातून का वापस अमरीका जाने से इनकार।
कराची में टिड्डी दल का हमला, टिड्डी दल ने मलीर गड़ाप टाउन बनकासे में खड़ी फसलों पर हमला कर दिया। मलीर और मुल्हिका इलाकों के काश्तकार परेशान। रायबंद तबलीगी इज्तमा का दूसरा मरहला खत्म, इज्तमाई दुआ में रिकत आमेज मनासे। मुल्क की सलामती, कश्मीर की आजादी के लिए खसूसी दुआएं की गई, शुरका अपने अपने घरों को रवाना। पिशावर में नेशनल गेम्स शुरू, इफ्तिताही तकरीब में खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे भी लगाए गए। और बरतानिया के आम इंतखाबात में 32 रोज बाकी, उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरियों की बड़ी तादाद में इंतखाबी मैदान में मौजूद।